दोस्तों क्या आप जानते हैं AK-47 का AKM वर्जन इस वक्त दुनिया का सबसे हल्का राइफल है। फुल लोड होने के बाद भी इस राइफल का वजन मात्र 3.1 kg है। इसमें एक मिनट में 640 राउंड किए जा सकते हैं। AK-47 एक गैस संचालित सिलेक्टिव फायर राइफल है। सिलेक्टिव फायर मतलब शूटर चाहे तो एक एक करके फायरिंग कर सकता है या फिर एक ही बार में पूरी मैगजीन खाली कर सकता है। AK-47 का पेनिट्रेटिंग पावर इतना ज़्यादा है कि वह कुछ दीवारों यहाँ तक कि कार के गेट को भेद कर उसके पीछे बैठे इंसान को भी मार सकती है। और ये 300 मीटर की दूरी तक सटीक निशाना लगाती है और यदि शूटर जबरदस्त हुआ तो 800 मीटर पर भी टारगेट को मार सकता है। दोस्तों AK-47 को रीलोड होने में मात्र 2.5 सेकंड का वक्त लगता है और गन की नली से गोली छूटने की रफ्तार 710 मीटर प्रति सेकंड है। इसे चलाने के लिए किसी खास ट्रेनिंग की भी जरूरत नहीं है। इस पर मौसम का भी कोई असर नहीं होता। AK-47 राइफल दुनिया की अकेली ऐसी राइफल है जो किसी भी मौसम में काम कर सकती है, मतलब कि पानी, मिट्टी, धूल या रेत कहीं भी इसे चलाया जा सकता है। इसके अलावा यह इकलौती राइफल है जिसे बच्चे भी आसानी से चला सकते हैं। किसी भी दूसरी गन की बजाय दुनिया में सबसे ज्यादा AK-47 को कॉपी किया जाता है क्योंकि यह ओनली 8 पुर्जों से मिलकर बनी होती है, इसलिए इन्हें एक मिनट से भी कम समय में जोड़ा जा सकता है। दोस्तों AK-47 का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में शामिल है क्योंकि यह दुनिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला हथियार है। AK-47 का पूरा नाम ऑटोमेटिक क्लाशनिकोव 47 है जो 1947 में बनी थी, जिसे मिखाइल नेमोफेविक क्लाशनिकोव ने बनाया था, लेकिन उन्होंने इस राइफल से कभी पैसा नहीं कमाया। 2013 में 94 की एज में उनकी मौत हो गई थी। इसके अलावा AK-47 गन की लाइफ 6000 से 15000 राउंड तक होती है और केवल रूस ही दुनिया को AK-47 सप्लाई नहीं करता बल्कि 30 अन्य देशों को भी इसे बनाने का लाइसेंस प्राप्त है, जैसे भारत, चीन, इसराइल, मिस्र, नाइजीरिया एटसेट्रा। इनमें चाइना सबसे ज्यादा AK-47 बनाता है। दोस्तों जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, बिकॉज नॉलेज इज पावर।